हेलो गाइस वेलकम टू माइंड्स तो आप देख रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज व्हिच इज बेस्ड ऑन नो ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 द पावर हाफ तो 64 की पावर हाफ है इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट हुआ है जो की एट होता है ऐसे ही सेकंड पार्ट में 32 की पावर वन अपॉइंट फाइव है इसका मतलब 32 का फिफ्थ रूट होना है कोई ऐसा नंबर जो कि खुद को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 32 result देता हो, तो इसका इसका है है, में की दी मतलब 125 का क्यूब रूट करना है यानी कि इस नंबर को खुद से ही तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वन ट्वेंटी फाइव आता है सेकंड क्वेश्चन उसमें हम एक लॉ का यूज करने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी नंबर की पावर है और उसकी भी पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है एंड सो फर्स्ट पार्ट में नाइन की पावर थ्री पॉइंट टू है इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं नाइन की पावर थ्री और उसकी भी पावर हाफ तो थ्री मल्टीप्लाई हाफ जो है थ्री पॉइंट टू हो जाना है ऐसे ही नाइन की पावर हाफ एंड उसकी पावर थ्री तो इन दोनों में कंपेरेटिवली इस वाले को सॉल्व करना आसान है क्योंकि नाइन का क्यूब करोगे बड़ा नंबर बैठेगा जबकि नाइन का स्क्वायर रूट हम इजीली जानते हैं ही होता है सो so, हम हम इसको अगर सॉल्व करेंगे सो so, का 9 का का स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट एंड एंड उसकी पावर क्या क्या होता है क्यूब थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री विच इज ट्वेंटी सेवन अगर आप इसको भी सोल्व करते नाइन का क्यूब होता है सेवन ट्वेंटी नाइन और हाफ पावर है इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट होना है तो स्क्वायर रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन इज ऑल्सो

तो ये बन जाएगा एंड तो उसका cube करना है तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करें उससे टू का क्यूब जो होता है वो होता है एट इन द फोर्थ पार्ट 125 की जो पावर है वो नेगेटिव दी गई है इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये जो है पावर वन अपॉन थ्री बन जाएगा अब वन पर 125 की पावर फ्रैक्शन में है यानी 125 का क्यूब रूट हुआ है सो वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125, सो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन अपॉन फाइव मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू रेस टू द पावर टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टू रेस टू द पावर वन अपॉन फाइव तो जब बेस सेम होते हैं पावर जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं so, तो टू तो एज इट इज रहेगा एंड टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव हो जाएगी उसकी पावर थ्री और फाइव का एलसीएम लेंगे तो टू की पावर हो जाएगी एलसीएम में फिफ्टीन थ्री फाइव जै फिफ्टीन तो टू फाइव टेन ऐसे ही फाइव थ्री झा फिफ्टीन तो वन थ्री झा थ्री तो फाइनल आंसर हो जाएगा टू रेस्ट टू दावर थर्टीन अपॉन फिफ्टीन इन द सेकेंड पार्ट वन अपॉन थ्री का क्यूब दिया गया है एंड देन उसकी भी पावर सेवन दी गई है तो वन अपॉन थ्री के क्यूब को हम थ्री की पावर माइनस थ्री बोल सकते हैं एंड देन उसकी भी पावर सेवन है अब जब पावर के ऊपर भी पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है सो so, थ्री की पावर क्या हो जाएगी माइनस थ्री मल्टीप्लाई सेवन विच इज माइनस ट्वेंटी थर्ड पार्ट बेस जो है सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड में क्या होता है बेसिस की जो पावर्स होती हैं वो सब हो जाती हैं तो इस केस में इलेवन आएगा, आएगा आंसर एंड देन उसकी पावर हाफ में से वन अपॉन फोर माइनस हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो फोर आएगा एलसीएम टू माइनस वन तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा इलेवन रेस्ट टू द पावर वन अपॉन फोर और अब अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर्स सेम है तो इस केस में बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड पावर्स जो है वो कॉमन आ जाती हैं सो सेवन मल्टीप्लाई एट रेस्ट टू द पावर वन अपॉन टू हो जाएगा सेवन एट आर फिफ्टी सिक्स एंड रेस टू दावर हाफ सो इसी फाइनल एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर यही होता है खत्म आई होप ये चैप्टर अब आप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसके बाद जो है और भी वीडियोस आएंगी साइंस एंड मैथमेटिक्स पर तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन